तो फाइनली शीएल का थर्ड एपिसोड आ चुका है और जिसका नाम है द पीपल वर्सेस एमएल ब्लॉन्स्की। एपिसोड का शुरुआत होता है सुपर मैक्स प्रिजन से, जहां पे शीएल एबोमिनेशन के साथ कुछ नेगोशिएशन कर ही रही होती है। फिर हमें फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए एक सीन दिखाया जाता है जहां पे शीएल हमें ये कहती है कि उसके सीरीज में बाकी कैरेक्टर्स को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है जो लोग कैमियो के तौर पे आ रहे हैं। फर्स्ट दो एपिसोड में हल्को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गया, सेकंड और थर्ड एपिसोड में एबोमिनेशन को, और थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड में शायद से वोंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाला है। तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ हम कौन से चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कैसे मार्वल हम सबको देख रहा है, फिर इनक्रेडिबल हल्क में इंट्रोड्यूस हुआ कैरेक्टर द लीडर शीएल के आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिल सकता है, फिर एबोमिनेशन को क्यों जेल से निकाल के वो फाइटिंग क्लब में ले जाया गया, उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम इस शो के साथ कैसे कनेक्टेड है, फिर हम बात करेंगे मार्वल कैसे खुद को 18 प्लस में पुश करना चाहता है लेकिन डिज्नी की वजह से वो कर नहीं पा रहा, और स्पेशली शीएल का ट्वर्किंग के बारे में भी हम बात करेंगे, और फाइनली ये एपिसोड थॉर लव एंड थंडर बनते बनते कैसे रह गया। अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक चीज जानना है तो मैंने तुम्हारे लिए स्क्रीन के ऊपर टाइम स्टैम्प दे दिया है, तुम्हें जो देखना है जाके देख लो या मेरे साथ पूरा वीडियो भी देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मार्वल हम सबको कैसे देख रहा है, आप अगर मार्वल के पक्के वाले फैन हो और मार्वल रिलेटेड शॉर्ट्स और वीडियोस देखते हो तो आपको ये जरूर पता होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू अभी एमसीयू बनने जा रहा है, क्योंकि ज्यादा सुपर हीरोज के जो रिप्लेसमेंट वर्जन आ रहा है वो सारे के सारे फीमेल वर्जन है, जिस वजह से बहुत सारे मार्वल फैन डिसअपॉइंटेड है। वेल सिर्फ हम ही डिसअपॉइंटेड नहीं है, एमसीयू में एग्जिस्ट करने वाली जनता भी बहुत ज्यादा परेशान है, वो लोग भी कह रहे हैं इतना ज्यादा फीमेल सुपर हीरोज क्यों आ रहा है। वेल इससे यही समझ में आ रहा है हम जो मार्वल रिलेटेड पोस्ट और कमेंट्स करते रहते हैं इंटरनेट पे वो मार्वल जरूर देखता है, इस वजह से शीएल के एपिसोड में उन्होंने ये चीज को बहुत अच्छे से एड्रेस कर लिया। वेल इससे तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि मार्वल अपनी फैंस की सुनता है और शायद से आगे हमें मेल सुपर हीरोज भी देखने को मिलेगा। इस एपिसोड के एंडिंग के पहले शीएल के साथ कुछ लोगों का फाइट हो जाता है जिन लोगों को कहा जाता है द वर्किंग क्रू। आपने अगर हल्क स्मैश का कार्टून सीरीज देखा है तो आपने वहां पे बहुत बार वर्किंग क्रू को देखा ही होगा। वेल वो इतने जल्दी निपटने वालों में से नहीं है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पचकाना दिखाया गया है, लेकिन जो भी हो इन लोगों का कॉमिक बुक हिस्ट्री बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इन लोगों के साथ आयरन फिस्ट थॉर जैसे कैरेक्टर का कनेक्शन है, और तो और ये लोग सीक्रेट वॉर्स में भी इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन सीरीज का इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग कहते हैं किसी ने तो इन लोगों को भेजा है शीएल का ब्लड लाने के लिए, और कॉमिक्स में इन लोगों का जो बॉस होता है वो हल्क का बहुत ही फेमस सुपर विलन यानी कि लीडर होता है, और जिनको आपने पहले भी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा होगा, और उस मूवी के बाद से लीडर को कभी दिखाया ही नहीं गया। वेल सीरीज का ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला, इन लोगों को आगे भी दिखाया जाएगा और शायद से सीरीज का एंड होते होते हमें लीडर से भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर उसके बाद एबोमिनेशन को कैसे जेल से बाहर निकाला गया या सैंक्ची में एबोमिनेशन फाइटिंग क्लब में क्या कर रहा था। वेल इसके जवाब में वोंग ने ये कहा उसको सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए किसी टक्कर के किसी के साथ फाइट करना था तो उसने एबोमिनेशन को चुना और एबोमिनेशन के साथ फाइट उसने फाइटिंग क्लब में किया। ये एक्सक्यूज थोड़ा सा अनट्रस्टेबल था लेकिन फिर भी तो चलो आगे बढ़ते हैं। एबोमिनेशन ना चाहते हुए भी वोंग उसको फाइटिंग क्लब में ले गया था और वोंग ने एबोमिनेशन को ये ऑफर दिया था उसको कमरताज ले जाने के लिए, लेकिन एबोमिनेशन ने खुद ही से ही मना कर दिया क्योंकि वो चाहता था उस खुद की सजा वो पूरा करे और लीगली जेल से बाहर आए। पिछले एपिसोड में जो कहा गया था कि एबोमिनेशन का 7 सोलमेट्स हैं तो वो इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया गया और हमें लग रहा था वो 7 सोलमेट्स शायद थंडरबोल्ट्स के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे काट दिया गया, हमें ये बताया गया ये जो 7 सोलमेट्स हैं वो एमएल ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन के लवर्स हैं। के बाद ये शो कैसे स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ कनेक्टेड है, वोंग जब जेनिफर यानी कि शीएल के साथ बातचीत कर रहा था वो कह रहा था वो चाहता तो सबका मेमोरी को इरेज कर सकता था लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। वेल ये सीधे सीधे रेफरेंस है स्पाइडरमैन नो वे होम का, जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल मार के सबके मेमोरी से पीटर पार्कर का आइडेंटिटी को इरेज करना चाहा तो एक बहुत ही बड़ा पंगा खड़ा हुआ था, जिस वजह से हमें नो वे होम जैसे ग्रैंड मूवी देखने को मिला। इस एपिसोड में भी हमें एक फ्री कॉमिक बुक मिल रहा है, जब पग अपने यू स्क्रीन में एक वीडियो देख रहा था तब हमें एक क्यूआर कोड देखने को मिल रहा है जिसको स्कैन करने के बाद आपको मिलता है सेवेज शी हल्क इशू नंबर 2 और कॉमिक बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या मार्वल खुद को 18 प्लस कंटेंट की तरफ पुश कर रहा है? आज अगर मार्वल डिज्नी का प्रॉपर्टी नहीं होता तो वो जरूर 18 प्लस कंटेंट बना रहा होता, और मार्वल आजकल चाहता भी 18 प्लस कंटेंट बनाना लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से बना नहीं पाता, वो लोग टच करके ऐसे बाहर निकल जाते हैं। और आपने रिसेंटली ख्याल भी किया होगा मून नाइट के शो को 16 प्लस रेटिंग मिला था और मार्वल
जॉम्बीज का जो स्पिन ऑफ आ रहा है उसको 18 प्लस का रेटिंग दिया गया है, और जो डेडपूल 3 भी बनने वाला है वो भी 18 प्लस होने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो व्हाट इफ का सीजन 2 और लोकी का सीजन 2 14 प्लस होने वाला है। ये हम लोगों को ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन मार्वल के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और मार्वल धीरे धीरे करके 18 प्लस में घुस रहा है। इसका मतलब आगे हमें इन डेप्थ इंटेंस वॉयलेंस और ब्लड बाथ जैसे सीन्स देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये देखने को मिला मैकेंजी स्टैलन और शी हल्क मिलके ट्वर्किंग कर रहे हैं मैगन थी स्टैलन के ही सॉन्ग में। अगर ये 18 प्लस होता तो हमें क्या क्या नहीं देखने को मिलता। और मैगन थी स्टैलन की वजह से ये एपिसोड बच गया और सारे के सारे शी हल्क के फैन को भी मजा आ गया। इस चीज की वजह से आज का एपिसोड आपका देखना वर्थ इट था या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फाइनली CGI को लेकर मेरा सेम शिकायत ही रहेगा पिछले एपिसोड की तरह, इस एपिसोड में भी शी हल्क का CGI बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक था। और कैसे ये एपिसोड थॉर लेवन थंडर बनते बनते बच गया। वेल थॉर लेवन थंडर को क्रिटिसाइज करने का मेन रीजन यही था कि उसके विलेन को अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया, और तो और उसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी भर दिया गया था और इस एपिसोड में वही होने जा रहा था, लेकिन सब कुछ बैलेंस कर दिया गया। लेकिन फिर भी कोर्टरूम ट्रायल को बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया गया और जज को पूरा मजाक बना के रख दिया गया। इसका लाइट एल्फ का कैरेक्टर को भी मिक्सचर बना दिया गया। एपिसोड ठीक ठाक ही था, लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से इस एपिसोड को मिलता है 5 out of 3 star। वेल आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। I'm not even.